नमस्कार दोस्तों स्वागत है गुड इवनिंग राधे राधे चलिए तो स्टार्ट करेंगे अभी दो मिनट शेष रह गया है है ना दो मिनट रह गए अभी तो दो मिनट इंतजार कर लिया जाए पहले सबका या फिर स्टार्ट करें जैसा आप लोग कहें नीतू इंदू आनंद जी प्रीति करिश्मा पुनीता संजीव राकेश जागृति पूनम कुमारी जी बताइए क्या किया जाए वेट कर लिया सब लोग आ जाए पहले ना कई लोग पानी वानी पी रहे होंगे कुछ नाश्ता पानी कर रहे होंगे भाई तो चलिए इंतजार कर लेते हैं दो मिनट टाइम हो जाए तो स्टार्ट करेंगे चलिए तो समय हो चुका है अब बढ़ते हैं आगे जिनको जिनको ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं देख कल एक नदी जो है वो रह गई थी दामोदर रिवर ठीक है तो दामोदर रिवर को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ये है दामोदर बेसिन दामोदर नदी घाटी क्लियर तो पहले समझ लीजिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दामोदर नदी दोस्तों ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से कहां से छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है देखिए यहां से निकलती जैसे ही निकलेगी तो इस पर एक टेनू घाट बांध स्थित है फिर आगे बढ़ेगी तो इस पर पांचेत बांध स्थित है और आगे बढ़ते हुए फिर ये जा करके किससे मिल जाएगी तो जा करके दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुगली नदी से मिल जाती है हुगली नदी मैंने बताया था हुगली नदी फरक्का डैम के पास से जो है निकली हुई है तो हुगली नदी से मिल जाती है दामोदर इसी दामोदर नदी को बोला जाता था बंगाल का शोक कभी कभी इसको क्या बोला जाता था बिहार नहीं बंगाल का शोक बोला जाता था इसको बंगाल सारो ऑफ बंगाल बंगाल का शोक बोला जाता था इसी नदी को बोला जाता है भारत की रूर नदी भारत की रूर बोला जाता है क्यों क्योंकि खनिज भंडार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नदी है मिनरल्स रिजर्व क्लियर नहीं ग्यारह से पहले नहीं है नो वीडियो हाँ, करें सब कुछ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है है ना जरा एक बार सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है आप लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं अच्छे से बिल्कुल ऑल क्लियर मृदुल वेरी गुड तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले दामोदर नदी चलिए हेडिंग डाली हेडिंग डालेंगे दामोदर नदी इसी को मैंने जैसे कि बताया इसको बोलते हैं क्या बंगाल का शोक बोला जाता है इसको बंगाल का शोक सॉर्व ऑफ बंगाल ठीक है स्रोत क्या हो जाएगा इसका स्रोत स्रोत हो जाएगा यानी ओरिजिन हो जाएगा इसका दोस्तों छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार से निकलती है नदी ठीक है और उसके बाद उसके बाद इसका निकास निकास लिख लीजिए निकास है हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट चीजें वही लिखेंगे हुगली नदी में मिल जाती है ठीक है और इसे इसे भारत का रूर भी बोला जाता है भारत का रूर कहा जाता है भारत का रूर कहा जाता है रूर एक जर्मनी की नदी है रूर क्या है रूर एक जर्मनी की नदी है दोस्तों जो खनिज भंडार के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है तो रूर कहा जाता है अगर इस पर प्रोजेक्ट की बात करें प्रोजेक्ट की बात करें तो टेनू घाट टेनू घाट तेनू घाट और पांचेत दो बांध बांध इस पर स्थित है पांचेत दो डैम है दो बांध है और साथ ही साथ इसी की सहायक नदी है बराकर नदी बराकर नदी इसी की सहायक है जिस पर स्थित है तिलैया बराकर एक नदी है जिस पर तिलैया बांध का निर्माण किया गया है ठीक है बराकर क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है इसकी सहायक नदी नोट कर लेंगे सर वीडियो इज नॉट विजुअल तो एक बार रिज्वाइन कीजिए वापस जाकर के पहले बंद कीजिए एप्लीकेशन को उसके बाद फिर से ओपन कीजिए हाँ भारत का रूर बोला जाता है इसको भारत का रूर क्यों क्योंकि तो सबसे ज्यादा खनिज भंडार इसी नदी घाटी में देखने को मिलता है दामोदर ठीक है इसी नदी घाटी में कोयला भंडार स्थित है दो आप जानते हैं कौन कौन सा तो ये झरिया झारखंड झरिया कोयला क्षेत्र और रानीगंज पश्चिम बंगाल वाला कोयला क्षेत्र ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है भारत का रूर कहा जाता है चलिए यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि बराकर नदी है बराकर नदी पर ही तिलैया बांध स्थित है इसी की ट्रिब्यूटरी है बराकर जाकर के मिल जाती है इसी से इसी की एक और नदी है सहायक कोनार जिस पर कोनार डैम स्थित है सहायक नदी बराकर लिखिए सहायक नदी में लिख लीजिए बराकर रिवर बराकर बराकर लिख लीजिए कोनार लिख लीजिए ये सभी इसकी सहायक दी है बराकर पर तिलैया बांध कोनार पर कोनार बांध कोनार पर कोनार डैम क्लियर हो गया बैक कर दिया इसको अच्छे से लिख लीजिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे तभी हो पाएगा ना क्लियर हो गया सब अच्छा वॉइस आ रही है कुछ दिख नहीं रहा सुजीत जी एक बार रिज्वाइन कीजिए भाई तिलैया से आप हैं रत्ना वर्मा जी बता रही हैं तिलैया से मैं हूं बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़े यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम किसी को कोई समस्या यहां तक आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन अच्छा नो सर और सब्जेक्ट कब से होगा पूजा जी तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है दोस्तों कि और सब्जेक्ट कब से होगा है ना कंटिन्यू करें आगे चलिए साइंस हो जाएगा साइंस हो जाएगा नेक्स्ट बाकी आपने नर्मदा देख लिया आपने ताप्ती देख लिया अब हिरिंग डालिए महानदी रिवर सिस्टम तो महानदी को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे महानदी यहां से देखी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से कहा से छत्तीसगढ़ के रायपुर से देखी निकल रही है और छत्तीसगढ़ में बहते उसके बाद उड़ीसा पहुंचते उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी और ऐसे डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इसी के तट पर पुरी है पुरी इसी के तट पर है कटक शहर इसी के तट पर भुवनेश्वर है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी इसी के तट पर गहिर माथा है गहिर माथा इसी के तट पर चिलका झील है चिल्का लेक है सब इसी के तट पर अगर इसके हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है शिवनाथ उत्तरी तट की सहायक नदी सभी क्या है शिवनाथ फिर हसदेव है फिर मांड फिर ईब और दक्षिणी तट की सहायक नदी में हो जाएगा सबसे पहले जोंक फिर ओंग फिर तेल ये तीन नदियां हैं जोंक ओंग तेल क्लियर चलिए तो हेरिंग डालिए महानदी हेडिंग डालेंगे महानदी रिवर महानदी के बारे में यहां पे लिख लीजिए स्रोत सबसे सब पहले लिखेंगे ओरिजिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्रोत कहां पर है इसका ठीक है स्रोत ही पूछा जाता है सिहावा की पहाड़ी लिखिए सिहावा हिल्स सिहावा की पहाड़ी सिहावा की पहाड़ी कहां पर है रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ में क्लियर छत्तीसगढ़ से निकलती है लिखेंगे अब इसके ट्रिब्यूटरीज अगर मैं बात करूं, की देखिए लेकिन से पहले आप लोग लिख लीजिए कुल लंबाई टोटल लेंथ कुल लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है कुल लंबाई लगभग आठ सौ इक्यावन किलोमीटर ठीक है सहायक नदियों में लिख लीजिए सहायक नदियां सहायक नदियों में लिख लीजिए शिवनाथ हायक नदिया पूछ लेता है शिवनाथ है हसदेव है हस्देव या हस्दो मांड, ईब, ठीक है, और उसके बाद जोंक, ओंग और तेल ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अगर प्रोजेक्ट की बात करें निकास की सबसे पहले बात कर लेते हैं निकास निकास कहां पर है ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है ओडिशा में बहते हुए ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ठीक है इस पर एक बांध स्थित है प्रोजेक्ट अगर देखें तो प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा कुंड बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है ओडिशा में हीरा कुंड बांध हीरा कुंड इसी नदी पर स्थित है देखिए महानदी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये ओडिशा की प्रमुख नदी इसी के तट पर इसी नदी के तट पर तट पर भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी पुरी कटक आदि शहर स्थित हैं आदि शहर स्थित हैं क्लियर है आदि शहर स्थित है तो महानदी हो गया महानदी लिख लीजिए डन नहीं अभी कल एमसीक्यूज नहीं होगा थोड़ा सा इस पोर्शन को हम खत्म कर दें तो उसके बाद फिर एमसीक्यूज करते हैं ना क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाएगा ना आप लोग जब लिखेंगे नहीं नोट्स नहीं कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे पहले इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं फिर उसके बाद इसके करवा लिया जाएगा दो तीन दिन डोंट वरी जियो का क्वेश्चन हो जाएगा खूब सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी को साइड प्लीज ठीक है साइड हो गया done. डन चलिए अगली हनी डाली यहां पर देख सकते हैं आप लोग ये गोदावरी गोदावरी नदी के बारे में पहले देख लीजिए मैप में गोदावरी नदी त्रम्बक की पहाड़ी से निकलती है त्रम्बक की पहाड़ी कहां पर स्थित है ये पहाड़ी त्रम्बक की जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी है और ये महाराष्ट्र में स्थित है महाराष्ट्र में देखिए बहते हुए कहां पहुंचती है आंध्र प्रदेश कहां पहुंचेगी सॉरी तेलंगाना तेलंगाना में बहेगी फिर तेलंगाना में बहते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचते हुए और आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए बीओ बी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है देख सकते हैं आप लोग कि त्रम्बक की पहाड़ी से निकली और उसके बाद पहुंची तेलंगाना तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद साउथ की गंगा इसको नहीं बोलते इसको दक्षिण गंगा साउथ गंगा बोलते हैं साउथ गंगा कावेरी को बोलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बीओबी में जाकर के गिर जाती है बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग गोदावरी नदी हेडिंग डाली गोदावरी अच्छा गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां उसको भी देख लीजिए जैसे यहाँ पर पूर्णा है पूर्णा इसके सहायक है दूधना है पेन गंगा क्वेश्चन पूछा गया वर्धा और बेन गंगा ये सभी इसकी सहायक है इंद्रावती भी इसकी सहायक हो जाएगी ठीक है प्रवरा है मंजरा है ये सब इसकी सहायक है चलिए तो हेडिंग डालेंगे गोदावी नदी गोदावी नदी को किन किन और नामों से जाना जाता है तो इसको वृद्ध गंगा बोलते हैं बूढ़ी गंगा वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है वृद्ध या बूढ़ी गंगा प्लस इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण गंगा क्लियर तो लिखेंगे स्रोत सबसे पहले स्रोत लिखिए ओरिजिन लिखिए इसका क्या है तो स्रोत दोस्तों हो जाएगा त्रम्बक की पहाड़ी त्रम्बक की पहाड़ी त्रयंबक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो टोटल लेंथ कुल लंबाई तो लिख लीजिए 1465 किलोमीटर लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इंडियन पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्लियर चलिए अब लिखिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि निकास निकास हो जाएगी या अपवाह लिख लीजिए किन किन राज्यों से बहती है अपवाह ही हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र एमएच प्लस तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश प्लस आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में निकास हो जाएगा बंगाल की खाड़ी निकास क्या हो जाएगा बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल बंगाल खाड़ी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां लिख लीजिए सहायक नदियां हो जाएंगी आपने देखा प्रवरा है मंजरा है प्रवरा मंजरा ठीक है पेन गंगा वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा इंद्रावती इंद्रावती छत्तीसगढ़ वाली आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं नोट करेंगे ये सब क्षितिज छत्तीसपुर से इसमें पानी कहाँ से आता है पश्चिमी घाट अपने आप में पहाड़ी है और पहाड़ियों से आप जानते हैं कहीं ना कहीं जल रिश्ता है ठीक है तो वहीं से यहाँ पे पानी आता है इसमें और मेन इसका स्रोत है पानी वर्षा का होना वर्षा होती है तो इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है डन अच्छा आप नासिक से हैं बहुत बढ़िया है. तो नासिक से हैं तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए अब चूंकि आप नासिक से निकल गए हैं तो नोट करके लिखवा देता हूँ इसी नदी के तट पर लिखिए साथ में लिखेंगे इसी नदी के तट पर नासिक शहर ब्रिकेट में महाराष्ट्र नासिक शहर ब्रिकेट में लिख लीजिए महाराष्ट्र स्थित है स्थित है जहां जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है कुंभ मेला लगता है यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है नोट करके लिख लीजिए बैक कर दें ये नोट कर लिया नहीं कोई इंपॉर्टेंट इस पे प्रोजेक्ट नहीं है कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है ठीक है डन बिल्कुल मृदुल इंडिया में चार जगह कुंभ मेला लगता है अगर नहीं लिखे लिख लिए सभी लोग ना कि कुंभ मेला कहां कहां लगता है लिख लिए हैं सहायक नदी को रिपीट कीजिए प्रवरा मंजरा पेनगंगा वेनगंगा वर्धा इंद्रावती ये सभी इसकी सहायक नदियां नहीं हो गया नहीं हो पाए नहीं है जी क्या क्या पंकज क्या पूछ रहे हैं अभी नहीं लिखे हैं ठीक है तो लिखवा देता हूं महाराष्ट्र में नहीं प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन नासिक चलिए तो कुंभ मेला चार जगह कहां कहाँ लगता है लिख लीजिए पहला कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में हरिद्वार में ब्रेकअप में लिखिए गंगा के किनारे ठीक है कहां पर स्थित है उत्तराखंड में दूसरा दूसरा कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में प्रयागराज में किस नदी किनारे गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती गंगा यमुना के संगम पर प्लस सरस्वती अदृश्य नदी मानी जाती है सरस्वती कहां पर स्थित है यूपी में प्रयागराज तीसरा हो जाएगा आपका उज्जैन उज्जैन में किस नदी पर छिप्रा नदी पर छिप्रा या सिप्रा नदी ठीक है कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में और चौथा स्थान है नासिक नासिक किस नदी पर गोदावरी नदी पर गोदावरी नदी पर कहा स्थित है महाराष्ट्र इन्हीं चार जगहों पर कुंभ मेला लगता है बैक करना है कितना बैक किया जाए इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बैक कर देता हूं डन चलिए बैक कर दिया लिख लिया इसको सुप्रिया पंकज कुमार जी हाँ, पॉलिटी में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को सुजीत जी डन अगली हेडिंग डालिए कृष्णा रिवर पहले समझ लीजिए उसके बाद हेडिंग डालिएगा कृष्णा नदी पहले समझिए कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में एक स्थान है नाम है क्या महाबलेश्वर तो यहां आइए देखिए महाबलेश्वर से निकलती है महाबलेश्वर से महाबलेश्वर की पहाड़ी है तो महाबलेश्वर से महाराष्ट्र के निकलती है पहुंचती है कर्नाटक कर्नाटक के बाद पहुंचेगी तेलंगाना में और उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में देखिए बॉर्डर बनाती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहते बहते हुए बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी मैप में देखिए ठीक है अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा इसकी सहायक प्रमुख नदी है भीमा है ठीक है और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो तुंग दो नदियां लिख लीजिए तुंग और भीमा क्लियर अभी हम लिखवा देंगे एक और इसमें सहायक नदी है मूसी मूसी के तट पर ही स्थित है मूसी रिवर है और मूसी के तट पर स्थित है, हैदराबाद का शहर क्वेश्चन पूछा गया है क्लियर चलिए डालेंगे कृष्णा रिवर कृष्णा नदी कृष्णा नदी में सबसे पहले लिख लीजिए स्रोत स्रोत ओरिजिन लिखेंगे ओरिजिन क्या है इसका कहाँ से ओरिजिनेट होती है नदियाँ तो ये निकलती है महाबलेश्वर से नोट करेंगे क्वेश्चन पूछा गया है महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पर सब वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पर और उसके बाद इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ तो कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है अपवाह लिख लीजिए किन-किन राज्यों में यह बहती है अपवाह अपवाह क्षेत्र तो अपवाह क्षेत्र दोस्तों इसका हो जाएगा महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र हो गया प्लस कर्नाटक हो गया कर्नाटक ठीक है प्लस तेलंगाना तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश चार राज्यों में बहती है ठीक है यहीं पे लिख लीजिए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच में तेलंगाना के बीच सीमा का निर्धारण करती है सीमा बनाती है बॉर्डर शेयर करती है, सीमा बनाती है ठीक है बनाती है। निकास निकास वही बंगाल की खाड़ी निकास क्या हो जाएगा बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल ठीक है प्रोजेक्ट लिख लीजिए इस पर एक इस पर एक प्रोजेक्ट आप लोग लिख लीजिए प्रोजेक्ट कौन सा है प्रोजेक्ट इस पर स्थित है दोस्तों आ, नागार्जुन सागर बांध इस पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर बांध इस पर स्थित है अगर सहायक नदियों की बात करें तो दो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं लिख लीजिए वो अभी सहायक नदियां क्या कौन कौन से हो जाएंगी तो भीमा कौमा तुंग भद्रा तुंग भद्रा भद्रा ही तुंग भद्रा तथा मूसी 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 में ब्रेकट में लिखिए इसी के किनारे मूसी में लिखेंगे ब्रेकट में नाथुला माउंटेन का हाइट नाथुला माउंटेन नहीं है गैप है पास है नाथुला पास सिक्किम में स्थित है अब उसकी हाइट जान के क्या करेंगे अब हाइट नहीं पूछेगा सिक्किम में स्थित है यही जानते रहे मुन्ना जी चलिए तो मूसी में लिखिए इसी के तट पर इसी के तट पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के तट पर ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित क्लियर मूसी नदी के तट पर ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है लिखेंगे वहां ब्रेकट में मूसी नदी के तट पर ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित नोट कर लिया सब लोगों ने डन बहुत बढ़िया भाई बहुत तेजी के साथ आप लोग नोट कर रहे हैं डन चलिए तो ये रही कृष्णा नदी अगली हरी डालिए कावेरी बैक करके कुंभ मेला दिखा दीजिए सर तो चलिए कुंभ मेला देख लीजिए भाई आप लोग ठीक है कुंभ मेला देख लीजिए अब क्या किया जाए तेज रफ्तार में पढ़ाना पड़ेगा सारी नदियां खत्म कावेरी अंतिम नदी है आपकी अब नदियां खत्म हो गई टॉपिक खत्म नदियों का ज़्यादा आप डन कर ली है ठीक नागार्जुन सागर बांध स्थित आगे बढ़िए हाँ जलप्रपात वगैरह होगा काहे टेंशन ले रहे हैं चलिए हो गया अब देखिए कावेरी नदी को जरा समझिए आप लोग कावेरी नदी दोस्तों निकलती है यहाँ पर स्थित है बाबा बूदन के पास में ही एक पहाड़ी जिसका नाम है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और वहीं से निकलती है पश्चिमी घाट पर स्थित वहीं से निकलती है देखिए कावेरी नदी और ऐसे बहती हुई पहुंचती यहाँ तमिलनाडु तमिलनाडु में बहते हुए जाकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है क्लियर है चलिए तो लिखिए हेडिंग डालिए हेडिंग डालेंगे कावेरी नदी कावेरी नदी लिखिए स्रोत लिख लीजिए इसको किस, इसको किस नाम जानते हैं तो इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है दक्षिण की गंगा गोदावरी को दक्षिण गंगा तथा तो इसको दक्षिण की गंगा गोदावरी अभी आपने लिखा था ना वहां पे लिख लीजिए शायद हमने लिखा नहीं वहां पे हाँ वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा लिखा तो है ठीक है गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं और इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है स्रोत में लिख लीजिए स्रोत में लिख लीजिए सबसे पहले कहां से निकलती है नदी तो यह नदी निकलती है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर दोस्तों स्थित है कर्नाटक में कहाँ पर कर्नाटक में यह भी वेस्टर्न घाट का पार्ट हो जाएगा ठीक है और इसकी लंबाई में लंबाई में लिख लीजिए लगभग 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है लंबाई इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है मैं फिर से कह रहा हूं नेक्स्ट अपवाह क्षेत्र इंपॉर्टेंट है अपवाह किन किन राज्यों से होकर बहती है तो दो राज्य हो जाएंगे कर्नाटक तथा तमिलनाडु कर्नाटक प्लस तमिलनाडु कर्नाटक और तमिलनाडु आप जानते हैं कि यहीं पर अगर बेसिन पूछे कि इसका बेसिन क्या है क्वेश्चन चूंकि पूछा गया तो लिखवा देता हूं इस रिवर का बेसिन क्या है तो बेसिन में तीन राज्य आ जा जाएंगे कौन कौन से कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु ठीक है निकास निकास हो जाएगी बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल इसके सहायक नदियों में लिख लीजिए कुछ सहायक नदियां लिख लीजिए ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां सहायक नदियां सहायक नदियों में लिख लीजिए काबीनी काबीनी अमरावती आदि भवानी भी भवानी अमरावती आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बेसन का मतलब मृदुल होता है बेसिन का मतलब होता है किसी भी रिवर बेसिन की जब बात होती है तो बेसिन में जो मेन रिवर होती है वह तथा जितनी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां पूरा हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं ये देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए कुछ केरल की नदियां जाकर किससे मिल रही है कुछ केरल की नदियां जाकर मिल रही है तो जब रिवर बेसिन की बात करेंगे तो ये पूरा रिवर बेसिन आ जाएगा ये देखिए पूरा क्षेत्र ये ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा तो कौन कौन सा राज्य आ गया कर्नाटक केरल और तमिलनाडु लेकिन यह नदी बहती है तो यह नदी मुख्यतः दो ही स्टेट में बहेगी कर्नाटक के बाद तमिलनाडु देखिए मैंने आपसे बताया था मंजरी मंजरी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी को हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अदरवाइज पूरा अगर हम ज्योग्राफी देखने लगे तो फिर तो छह महीने लग जाएगा आपका अगले महीने पेपर है समझ पा रहे Division का भी तो टाइम होना तो होना चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जहां से आपका लगभग नाइनटी परसेंट सिलेबस कवर होता है उतने ही हम भाग को पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या आता है मेनली है इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है बिहार की ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे जितेंद्र सर अभी जो पढ़ाए थे हिस्ट्री वही बिहार सब भी पढ़ाएंगे बिहार की ज्योग्राफी बिहार की पॉलिटी बिहार की इकोनॉमिक्स सब वही पढ़ाएंगे राहुल जी चलिए यही बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई यही से क्वेश्चन सब ज्यादा पूछते हैं तो ये आपने देख लिया सारी नदियों के बारे में अगर आप कौन सा बुक तो मधु कोई गाइड ले लीजिए आप अभी बुक मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे कोई भी पतली सी गाइड देखे ले लीजिए जैसे मान लीजिए उसकी आती एक अरिहंत की उसको ले सकते हैं आप लोग है ना नहीं इस पर कोई प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है और पढ़ाएं सर एक बार बैक करिए लास्ट स्लाइड स्टॉप सर कंटिन्यू सर पंद्रह मिनट और सर नहीं पंद्रह मिनट नहीं लगेगा फिर ना नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे चलिए खैर पढ़ा देते हैं लिस्ट तैयार है लिस्ट ही तो देना आपको चलिए तो ये हो गया क्लियर हाँ किरण की भी आती है बिल्कुल सही किरण की भी आती है तो बैक स्लाइड कर देता हूँ एक बार ये लोग देख लें नदी हो गया ये है कावेरी नदी मुन्ना जी आप तो गजबे भाई नाथुला पे आप चले तो नहीं गए हैं कि उतरने के लिए हाइट पूछ रहे कितना हाइट है सर इसका उतरना है मुझको नाथुला पहुंचाऊ में <laughs> पासस नहीं पढ़ाया था क्या मैंने पासस तो पढ़ाया था एक काम पर जो वह स्कूल जाइए अपने आप पता चल जाएगा वहीं से लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल नीचे आ जाइए हाइट का अंदाजा लग जाएगा कह रहा हूँ फालतू की बात है उसको नहीं याद करना है नेक्स्ट आगे आगे बढ़ेंगे तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट देखिए लेक्स में जो है आ, मैं पूरा तैयार करके ले आया हूँ आप लोगों के लिए जितनी भी लेक्स हैं भारत में सब ले आया हूँ एक मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा और वो होमवर्क आप लोग मुझे ग्रुप में सेंड भी करेंगे सभी देखूंगा ठीक है हाँ भाई अब मैं भी ये जो खोपड़ी है मेरी ये भी जो इंसानी दिमाग है जैसे आप लोग हैं सारी बातें नहीं याद होती खास तौर पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद होती हैं अब किसकी हाइट नाथुला पास की कितनी हाइट है क्या मतलब है माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी बता दूंगा कंचनजंगा की हाइट पूछी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब चीज जानना है वंगई नदी नहीं चलिए तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया जो भारत में महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं लिस्ट पूरा तैयार है जैसे मान लीजिए पुलिकट लेक अब इसमें कुछ कुछ आपको लिखना है जैसे मैं बता देता हूं स्टार लगा देता हूं स्टार जैसे जैसे आपको लिखना है किसके बारे में तो इसमें लिखना है आपको इसमें कुछ नहीं लिखना नेक्स्ट हाँ वुलर लेक वुलर लेक में आपको लिखना है कि भारत की भारत में मीठे पानी की, की, की सबसे बड़ी झील भारत में मीठे पानी की फ्रेश वाटर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सबसे बड़ी झील क्लियर है ना भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आगे आगे बस यही है नेक्स्ट लोकटक लेक पूर्वोत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यह भी आपको पीडीएफ दे दूंगा तो नोट कर लीजिएगा अपने उसमें बाकी चिलका लेक लिख लेना है चिलका लेक पानी की सबसे बड़ी झील भारत में खारे पानी की साल्ट वाटर खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी ठीक है सांभर लेक सांभर लेक राजस्थान में इसमें लिखना है सबसे अधिक लवड़ी इसका जल है सबसे अधिक लवड़ी है सलाइन वाटर है लवड़ीय जल है इसका सर्वाधिक है क्वेश्चन यह भी पूछा गया है लवड़ीय जल है सदर सलाइन वाटर है इसका बाकी गोविंद बल्लभ पंत सागर इसमें भी लिखना है इसमें यह लिखना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है आर्टिफिशियल लेक भारत की यानी मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्लियर ये मैप आपको दे दूंगा इसी प्रकार से आपको करना है प्रैक्टिस मतलब कि जैसे लद्दाख में लद्दाख में कौन कौन सी झील है पैंगोंग सो है सो मरो है सोकर लेक है फिर हिमाचल प्रदेश में रेणुका है चंद्रताल है पोंग डैम है फिर उसके बाद उत्तराखंड में देवताल राल रूपकुंड नैनीताल ठीक है उत्तर प्रदेश में कीथम सरसई नावर काबर काबरताल यहाँ पर बिहार में हो जाएगा तो ये सभी जो है आपको जितने भी लेक्स हैं वो पूरा मैप में आपको दे दूंगा इसका आपको करना है प्रैक्टिस ध्यान दीजिएगा आउटलाइन मैप ले लीजिएगा नहीं है तो बना लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार जब लिस्ट बनाएंगे आप लोग तो उसको पढ़ेंगे एक दो बार पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो आउटलाइन मैप होगा उसमें आप लोग बना लीजिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन बिहार में कौन सी पंजाब में महाराष्ट्र में ये सब ठीक है महाराष्ट्र में एक लेक है आ, लोनार लेक इसमें भी रहा होगा हमने ध्यान नहीं दिया लोनार लेक कहां पर है देखिए जरा कहा है लोनार लेक भूल गए क्या इसको लिखना चलिए कोई नहीं तो यहां लोनार लेक लिख लीजिए ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में लोनार लेक क्रे, क्रेटर झील का उदाहरण है क्लियर है मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए आप लोग तो ये आपको कर लेना है प्रैक्टिस इसकी इसकी क्या कर लेना है प्रैक्टिस तो कल हम देखेंगे वाटरफॉल प्रमुख जलप्रपात है कौन कौन सी नदी पर स्थित है और पासेज अगर करवाना है, तो कल पासेज करवा लेंगे तो कल हो जाएगा जलप्रपात और जितने भी जितने भी है इंपॉर्टेंट वैसे तो मैंने पासज करवा दिया है मुझे याद आ रहा है क्रेटर का मतलब यह होता है कि यहां पर एक उल्का पिंड गिरा था और उल्का पिंड गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था अब जब वो गड्ढा बन गया तो बारिश हुई बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया तो लेक बन गया तो इस प्रकार से जो लेक बनती है उनको क्या कहते हैं क्रेटर झील बोलते हैं उनको हाँ पीडीएफ जरूर दे दूंगा करवा दिया है ना मैंने हाँ प्रियंका जी बता रही देखिए कि, कि करवा दिए हैं तो दर्रे तो करवा चुका हूं तो फिर दर्रे क्यों जल प्रपात रहे यही रह गया वाटरफॉल्स वाटरफॉल्स कर हो जाएगा कल हम लोग देखने वाले हैं वाटरफॉल्स और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं उसकी हम कल को कल प्रैक्टिस करेंगे मजा आएगा ठीक है तो कल हो जाएगा आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जितने भी वार, हैं क्लियर होमवर्क आपका यही है कि भैया इसको पढ़ के लिख करके नोट्स में और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कल मैं पूछूंगा कल मैं आउटलाइन मैप में पूछूंगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में ये कौन सी झील एक एक झील में किसी भी राष्ट्र से पूछ सकता हूँ ये सभी स्टेट है एक एक कम से कम लेख में सभी स्टेट से पूछूंगा आप लोगों को पता होना चाहिए कल ये टेस्ट होगा थोड़ा सा चलिए तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे देता हूं नोट्स में अच्छे से नोट करना ये नहीं कि उसको जो छोड़ देना है ठीक है ना छोड़ना नहीं है इसको अच्छे से बिल्कुल नोट करना है वाकई आप लोगों के क्लास तो बहुत स्पीड में चली है मतलब इतनी स्पीड में और कोई क्लास नहीं हुई है जितनी स्पीड में आप लोगों को पढ़ाया गया है नहीं सुझेगा कभी कोई प्रॉब्लम होगी जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर मैं हूं ना और आप लोग तो मतलब ग्रुप से भी जुड़े हैं कभी कोई इशू होगा तो आप लोग बताइएगा अब आप लोगों की भलाई के लिए थोड़ा सा स्पीड में चला जा रहा है वैसे मेरा मन नहीं स्पीड में चलने का लेकिन भलाई आप लोगों का क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है जब तक अपनी पूरी नोट्स आप लोग तीन चार बार नहीं पढ़ेंगे तब तो तक मजा नहीं आएगा है ना धन्यवाद राजौर जी ग्रुप में कौन से सर ग्रुप है ना वो टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाइए रिवीजन भी करना है बिल्कुल मृदुल अब जब पढ़ लेंगे हम लोग तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन भी करेंगे तो उसमें भी तो टाइम लगना है अभी पूरा आपका पॉलिटी बाकी है पॉलिटी में कितना खींचूंगा मैं कम से कम पंद्रह बीस क्लास उसमें हो जाएगी बहुत तेज चलूंगा तब और अभी इसमें कम से कम दो तीन क्लास बाकी है तीन क्लास कम से कम होगी अभी इंडियन ज्योग्राफी की तीन क्लास प्लस उसके बाद कम कम से दिन उसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यूज में करवा दूंगा आप लोगों को तो कम से कम पांच क्लास तो इसमें बाकी है फिर उसके बाद बीस क्लास कम से कम पंद्रह क्लास से कम नहीं होना है पॉलिटी बीस क्लास पॉलिटी उसके बाद कम से कम आपका दस क्लास ईवीएस बताइए तो पूरा महीना आपका इसमें बीत जाएगा आप लोग जैसा कहिए देखिए ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है मैं एक काम करता हूँ प्रिपेयर करता हूँ और हु आपको उठा करके दे दूंगा थोड़ा बहुत समझा दूंगा ठीक है तो आप लोग कर लीजिएगा पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पॉलिटिक्स क्वेश्चन आने हैं ईवीएस से भी आए क्वेश्चन लेकिन ज्यादा नहीं आएगा खासतौर पर ईवीएस अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा भाई पर्यावरण पारिस्थितिकी क्वेश्चन बहुत आएगा और थोड़ा सा आपका विटामिन के बारे में हो सकता है पूछ ले हालांकि वो चीज आप साइंस में भी पढ़ेंगे हाँ बताइए एक, 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 एक क्लास का मतलब ये उसमें हम जितने भी कंटीनेंट्स हैं सात कंटिनेंट्स सातों कंटिनेंट्स को देख लेंगे सातों कंटिनें मतलब की जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए एशिया है एशिया की सबसे लंबी नदी देख लेंगे एशिया की सबसे ऊंची सब सर्वोच्च चोटी देख लेंगे एशिया का सबसे बड़ा देश एशिया का सबसे छोटा देश ये सब देख लेंगे बाकी क्या देख पाएंगे भाई वर्ल्ड अगर सब कुछ देखने लगे तो फिर फिर बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों के सिलेबस में ईवीएस नहीं है लेकिन कोई नहीं है एक दो क्लास तीन क्लास चार क्लास में पढ़ लेंगे ईवीएस चार पांच क्लास में ईवीएस पढ़ लेंगे ठीक है ना तो चलिए इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी उसके बाद फिर जो है हाँ एक क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करके फिर

ने दे तो दिया टेलीग्राम आईडी ना इसी पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ग्रुप ये पिन कर दिया है मैंने एक बार सभी लोग बताइएगा मिल गया हाँ सर्च करेंगे ना इस नाम से तो ज्वाइन ना हो ज्वाइन कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम्स होगी मुझे पर्सनली उसमें मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में कर सकते हैं आ गया चलिए थैंक यू सो मच गुड नाइट सो जाइए अच्छे से और जो मैंने बोला है कल प्रैक्टिस उसको कर लेना है उसके बाद क्लास ज्वाइन करना है ध्यान देना है ठीक है थैंक यू थैंक यू नेहा जी थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि गुड नाइट आराम कीजिए अभी कल सुबह में जो होमवर्क मैंने दिया उसको अच्छे से करके आइएगा कल टेस्ट पहले होगा उसके बाद फिर पढ़ाई होगी आगे की गुड नाइट जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच अच्छा हाँ ये भी बोलना होता है थोड़ा सा आप लोग रेटिंग का ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर देना है तो पांच देना है नहीं तो ना ही दीजिए तो ज्यादा बेटर है ठीक है थैंक यू